लोग एसिडिटी को हमेशा एक प्रकार से ये मान के चलते हैं कि ये तो एसिडिटी है और ये जो है हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि एसिडिटी और हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो को एग्जिस्ट कर सकती है, दोनों के सिम्टम्स करीब करीब एक प्रकार के ही होते हैं। इसलिए जब तक हम अपने किसी जनरल फिजिशियन से मिलकर अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को रूल आउट नहीं करते हैं तब तक हमारे शरीर में होने वाली किसी भी जलन को हम एसिडिटी न माने। ये मेरा आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शकों से निवेदन रहेगा कि जिस किसी व्यक्ति को भी छाती के बीच वाले पोर्शन में अगर जलन रहती है खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले या किसी भी समय पर, वो अपना एक मेडिकल चेकअप जरूर कराएं और उसके बेसिस पे डॉक्टर ये डिसाइड करे कि एसिडिटी का पेन है और या फिर ये हार्ट का प्रेम है। अक्सर हम लोग देख रहे हैं या आपके वीडियो से हमें देखने को मिला कि अक्सर एक बड़ा रिनाउंड आपने देखा होगा एक सिंगर थे केके। उन्होंने क्या किया, केके का अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उनको भी इसी प्रकार से सीने के बीच वाले पोर्शन में दर्द होता था, जलन होती थी, वो अक्सर एंटासिड ले लेते थे और उसके बाद में भी जिस दिन वो लास्ट अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, ही वाज अ वेरी ग्रेट सिंगर एंड आई एडमायर्ड हिम बिकॉज ही वाज अ वेरी ग्रेट सिंगर एज पर मी ऑल्सो, बट वी लॉस्ट हिम बिकॉज ही इग्नोर्ड हिज सिम्टम्स। उन्होंने अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया और उस दिन रात को जिस दिन भी वो परफॉर्म भी कर रहे थे उस दिन भी उन्होंने एक एंटासिड गोली ली और सडनली उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो इस प्रकार की इग्नोरेंस जो होती है वो अक्सर जानलेवा होती है। और मैं आपके माध्यम से तमाम आपके दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये प्रकार की मौतें हम देखते हैं इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें से हम 80-90% लोगों को समय पर अगर इनका इलाज कर दिया जाए या इनकी बीमारी को डिटेक्ट कर लिया जाए तो मैं मानता हूँ कि इन सभी लोगों की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है, एसिडिटी के लिए कोई भी एंटासिड अगर लें अपन एंटासिड के रूप में जो भी दवाइयां हम लोग ले रहे हैं अगर वो लें और उसके दवाई लेने के आधे पौन घंटे या एक घंटे में हमें फायदा नहीं मिल रहा है तो हमें तुरंत अपने नियर बाय किसी फिजिशियन को दिखाना चाहिए। क्योंकि अगर एक घंटे में एंटासिड लेने के बाद में हमें किसी प्रकार का सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिल रहा है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एसिडिटी का पेन नहीं होगा, वो ज़्यादातर वो हार्ट का पेन ही होगा। और हार्ट का पेन अगर है उसका समय पर इंटरवेंशन कर लिया जाए या उनको डिटेक्ट कर दिया जाए तो उन लोगों को हम आराम से इलाज करके उनकी जान बचा सकते हैं।